हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में, जो गल्फ में और इंडिया में भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है और काफ़ी लोग स्कैम में फंस रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्या चांसेस है न्यू ईयर में, कैसे चांसेस रहेंगे, आज इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों के डाउट है, बहुत से लोगों से लॉगिंग नहीं हो रहा, लॉगिंग हो रहा तो उन लोगों को पता नहीं चल रहा कि स्लॉट कब रिलीज हो रहे हैं, कब मिलेंगे। तो आज इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्लैरिफाई करूंगा आपको, कुछ बातें कि आप क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, अभी के डेट में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है लोगों को, तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी के डेट में अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो नॉर्मल वे में अपॉइंटमेंट लेना इतना इजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप नॉर्मल वे में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकोगे तो ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। 100 में से 2 या 3% लोगों का चांस है कि जिसको डायरेक्ट में मिल सकता है अपॉइंटमेंट, लेकिन ये बहुत लकी वाले इंसान है जिसका लक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साथ दे रहा है, जिसका लक उनके ऊपर है। और नॉर्मल वे में इसीलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे क्योंकि अभी के डेट में एजेंट लोग फिर से आ चुके हैं मैदान में। तो जैसा पहले चल रहा था इनका स्कैम वगैरह सब चीज, तो अभी भी नॉर्मल वे में वैसा तो स्कैम चालू हो चुका है एजेंट लोग का। काफी एजेंट है जो अपॉइंटमेंट का पैसा भी ले रहे हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में साउथ नॉर्थ दोनों साइड में पैसा भी ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी, जिसको आइडिया नहीं है तो उनको किसी दूसरी कैटेगरी का अपॉइंटमेंट निकाल के दे दे रहे हैं। तो इस तरह स्कैम में मत फंसो। आपको अगर नहीं पता है तो किसी से कंसल्ट करो, किसी से पूछो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से पूछो। मैं कोई चार्जेस नहीं करता हूँ, जो भी है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करता हूँ। क्या मैं वो सोचता हूँ कि मेरे थ्रू किसी का अच्छा हो सके, किसी का पैसा बच सके, कोई भी लॉस में ना जाए, क्योंकि मैं भी ऐसे स्कैम के चक्कर में पहले फंस चुका हूँ। इसके वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ, कि जो स्कैम में फंसने वाले तो उनको पहले अलर्ट कर सकूँ कि भाई ऐसा वे सही नहीं है करके। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि इसके स्कैम में मत फंसो अगर आप एजेंट के थ्रू, क्योंकि आज के डेट में एजेंट के थ्रू ही पॉसिबल है अपॉइंटमेंट लेना। अगर आप डायरेक्ट का सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये थोड़ी हार्ड चीज है मैं आपको जो बोल रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू यही है अभी। तो ये चीज थोड़ा आप कंसंट्रेट करो ये चीज पे। और अच्छा कोई एजेंट अगर आपको मिलता है, जेन्युइन एजेंट है, कुछ उसका सक्सेस स्टोरी है, कुछ कंफर्मेशन है, तो आप कर सकते हो उसके थ्रू काम अपना। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि हर एजेंट आज के डेट में गलत है, और मैं किसी को रिफर नहीं करूंगा। तो आप तो एक काम करो कि एक सर्च करो अच्छा कोई एजेंट जेन्युइन है, जो आपको बुकिंग करने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट बुक करने का आपको ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आज के डेट में एक और चीज है कि VFS में अभी जो चालू किया है अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम, तो अपॉइंटमेंट के बाद में जो अपॉइंटमेंट बुक हो रहे हैं तो जब आप फिर से उसको लॉगिंग करोगे तो वो OTP मांगता है। अब पहले OTP सिस्टम नहीं था, अब OTP सिस्टम कर दिया है। तो एजेंट लोग अब यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना चाह रहे क्योंकि OTP सिस्टम हो गया है बोलते। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल वे में अगर जब आप किसी के नंबर पे पर्सनल OTP जाता है तो हर कोई इंसान डरता है, भाई ये कोई स्कैम तो नहीं है, मेरा बैंक का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज नॉर्मल है, इसलिए एजेंट लोग अभी OTP वाले सिस्टम की वजह से बोल रहे हैं कि हम आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस में आप एक ही चीज करो कि आप उनके सक्सेस स्टोरी देखो, अगर उनका कोई सक्सेस स्टोरी आप उससे अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो उनसे बात करके देखो, उनसे बात करो, उनसे थोड़ा क्लेरिफाई करो चीज जेन्युइन है क्या है, वो ऑलरेडी कहाँ तक उनका स्टेप प्रोसेस पहुंचा है। तो ये चीज आप कर सकते हो। और साउथ के लिए मैं एक और चीज बताऊंगा आपको कि साउथ के लिए अभी तो बहुत डिफिकल्ट है। और साउथ का देखो अभी आप जो हुआ है
18th ऑफ दिसंबर से जो VFS रीओपन हुआ है, एम्बेसी ने जो अपडेट किया है, VFS ओपन होने के बाद में भी है तो VFS अब है तो जनवरी या फरवरी की अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, जो कि ऑफिशियली VFS 2 जनवरी से अपना काम स्टार्ट करेगा, लेकिन वो अपना जनवरी या फरवरी का है तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट मार्च के बाद से अपॉइंटमेंट दे रहा है, मार्च दे रहा है, अप्रैल दे रहा है। तो ये चीज में क्या है, अब आप ये बोल सकते हैं कि VFS में भी थोड़ा स्कैम चल रहा है, जो एजेंट लोग कंसल्ट में है, जिनका ऑटो ऑटो बुकिंग सिस्टम है, एजेंट के पास में सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं जनवरी फरवरी अपॉइंटमेंट। तो अभी आप देखो, नॉर्मली आपको एजेंट के पास जाओगे तो एजेंट आपको सिर्फ जनवरी और फरवरी के बारे में अपॉइंटमेंट देगा, जनवरी का भी पॉसिबल बनेगा और फरवरी का, क्योंकि ये एजेंट लोग ने पहले से बुकिंग सिस्टम से होल्ड करके रखे अपने अपॉइंटमेंट। अभी किसी को मिल भी रहा है ना, सिर्फ मेरी दो लोगों से बात हुई थी, मैं आपको भी बताता हूँ, दो लोगों से बात हुई थी, वो दो लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला है, वो भी रात के टाइम का, टाइम भी बता रहा हूँ, रात के टाइम 12:30 के बाद से 2 बजे के, इसमें ये 1.5 घंटे में उन लोगों को दो अपॉइंटमेंट मिले थे अभी तक के, 18 दिसंबर के बाद से अभी तक के जिससे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, सिर्फ वो दो लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिले, बाकी हर इंसान मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट में, सब इंसान सब बंदे यही बोले हैं भाई लोग मेरे कि अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं अवेलेबल दिखा रहा है। तो जैसे कि अभी मैं बता दूं आपको, जैसे अभी नॉर्थ में ले लो, नॉर्थ में भी सेम सिस्टम चल रहा है, नॉर्थ में भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। और एक और मैं आपको एक चीज बता दूं अभी गल्फ के बारे में, कि गल्फ में VFS सिस्टम ओपन होगा लेकिन इंडिया की तरह नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि गल्फ में, जैसा गल्फ में दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, तो यहाँ सोच रहे, ये बहुत से लोग सोच रहे हैं कि गल्फ में है तो ड्रॉप सिस्टम बंद होकर VFS स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक डाउट आपका, कि VFS इंडिया की तरह नहीं होगा वहां पे स्टार्ट। अगर VFS रीओपन होगा भी वहां, तो वहां ड्रॉ सिस्टम ही रहेगा। ड्रॉ सिस्टम रहने का मतलब आपको ड्रॉ के थ्रू ही आपका अपॉइंटमेंट आएगा, बस इतना रहेगा आपका, जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा ड्रॉ के थ्रू, तो आपको आपका सबमिशन VFS में जाके करना है, फिर आपको एम्बेसी नहीं जाने का है, आपको अपना सबमिशन VFS में जाके करना है। लेकिन वहां पे इस तरह इंडिया के जैसा नहीं रहेगा कि आप ड्रॉ सिस्टम में अपना डायरेक्ट अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं VFS में गल्फ में, तो इस तरह नहीं है। स्कैम से बचो, स्कैमर लोग बहुत है, मेरे भी है तो वीडियोस में कमेंट बहुत आते हैं ऐसे, और ऐसा कमेंट आते हैं पूछते हैं कि भाई हम VFS का जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए UAE में, हम अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, शो कर दे देंगे। तो इस तरह स्कैम में मत फंसो, इस तरह कोई सिस्टम नहीं है। गल्फ में आपको कोई भी सेटिंग से अपॉइंटमेंट नहीं दिला सकता है, आपको सिर्फ नॉर्मली आपके ड्रॉ के लिए वेट करना है। ड्रॉ में नाम आ गया, अगर VFS इनकेस खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट ईयर में VFS रीओपन होता है, तो आपको आपका ड्रॉ में नाम आने के बाद में आपका सबमिशन के लिए आपको एम्बेसी नहीं जाना है, VFS जाना है। तो ये चीज एक कंफर्म कर लो आप, किसी के स्कैम में मत फंसो, पैसा किसी को एक्स्ट्रा मत दो। ये ऐसे स्कैमर लोग बहुत है आज के डेट में, इंडिया में भी बहुत घूम रहे और गल्फ में भी ऐसे बहुत बैठे हुए, तो ये चीज से थोड़ा सेफ रहो। और मैं ये बस यही थोड़ा आपको बताना था कि ये स्कैमर से बचो, और अभी जनवरी में 2 जनवरी के बाद से देखते हैं एम्बेसी या VFS क्या अपडेट करता है नई सिस्टम। ये सुनने में तो अभी ऐसा आ रहा है कि VFS का है तो 2 जनवरी के बाद से कुछ सिस्टम में चेंजेस करने वाले हैं, ये कि थोड़ा एप्लीकेशन ज्यादा है तो अपॉइंटमेंट स्लॉट रिलीज कर सके, तो इसके रिलेटेड क्या अपडेट आता है मैं आपको वो बताऊंगा 2 जनवरी के बाद में, कि VFS क्या अपडेट करता है और क्या अपडेट कर चुका है अपने सिस्टम में। तो 2 जनवरी के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि स्कैमर से सेफ रहो आप लोग। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप बेफिक्र मेरे को मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। भले थोड़ा लेट होगा क्योंकि मेरा भी टाइम का थोड़ा इश्यू होता है, ड्राइविंग टाइम वगैरह सब, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग करता हूँ तो थोड़ा टाइमिंग में चेंज होता है हम लोगों के, बस में पर डे के हिसाब से टाइमिंग होता है ड्राइविंग रेस्ट सब चीज का। तो थोड़ा कभी लेट हुआ तो थोड़ा समझ जाओ, और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कॉल करते, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू कॉल मत करिए। अगर आपका एक कॉल में मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं जैसा फ्री होगा मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और इंस्टा पे भी आप लोग मेरे को मैसेज करके रखिए, अगर किसी की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, आप मेरे को मैसेज करके रखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, भले थोड़ा लेट दूंगा लेकिन सबका रिप्लाई मैं दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी आपको जैसा पता है कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के लिए सबको बेस्ट विशेस है मेरे तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपकी फैमिली को, जो परिवार से अपने दूर है उनको भी बहुत सारा प्यार, और अपने फैमिली के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको दिल से बेस्ट ऑफ लक है।
और जो अभी अप्लाई कर चुके हैं और वेटिंग में है, तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अभी नेक्स्ट ईयर में 2nd of January के वक्त से कुछ अच्छी अपडेट ला सकूं, जैसा भी कुछ गुड न्यूज आए मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो तब तक के लिए बाय।